नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करूंगा सैमसंग गैलेक्सी A52 की। देखिए दोस्तों, जो है मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी A52 और आज मैं आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा और दोस्तों आपको बताऊंगा कि इसके अंदर हम दोस्तों क्या क्या फीचर मिलते हैं। और दोस्तों मैंने इसको खरीदा सिर्फ 20,000 रुपये का। मैंने 20,000 रुपये कैसे खरीदा जी, मैं आपको इस वीडियो लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पर अंत तक बने रहें जिससे दोस्तों आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाए कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A52 के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो है मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी A52 जिसका दोस्तों मेरे पास वेरिएंट है 6GB और 128GB वाला वेरिएंट, जी देखिए ऑसम ब्लू कलर 6GB और 128GB वाला वेरिएंट। तो दोस्तों मैं आपको सामने इसे ओपन करता हूँ। ओपन तो बॉक्स पहले से ही है बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें हमें क्या मिलता है। तो दोस्तों देखिए इसके अंदर हमें पहले एक मुझे बॉक्स मिलता है, एक बॉक्स के अंदर दोस्तों हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। एक यहाँ पिन मिलती है जो मैंने निकाल ली थी और दोस्तों कुछ जो बुक किताब वगैरह मिलती हैं जैसे वारंटी कार्ड वगैरह है इसका ये, और ये रीजनल लॉक गाइड है। और दोस्तों इसमें कुछ इसकी जानकारी दी गई है लैंग्वेज के बारे में, तो ये कुछ इसमें मिलता है। हमें इसके अंदर कवर देखने को नहीं मिलता, वैसे कंपनी को इस रेंज में कवर देना चाहिए था लेकिन सैमसंग ने इसमें कवर नहीं दिया। तो अगर आप इस फ़ोन को खरीदें तो अलग से एक फ़ोन इसका एक कवर साथ में परचेज कर लें। दोस्तों मैं फ़ोन इसको मैं रखता हूँ अभी, इसका बिल है दोस्तों जी है एक डाटा केबल, ये USB टाइप सी केबल है, दिखाता हूँ देखिए आपको, ये देखिए USB टाइप सी केबल है ये। और जी है दोस्तों एक चार्जर जो कि दोस्तों 15 वॉट का है, ये ज़्यादा हैवी चार्जर नहीं है, सिर्फ 15 वॉट का चार्जर है। बट दोस्तों ये फ़ोन 25 वॉट के चार्जर को सपोर्ट करता है, जैसे अगर आप मार्केट से खरीदते हो तो तकरीबन दोस्तों 1600-1700 रुपये का आएगा। तो जाइए इस बॉक्स में और कुछ नहीं है, इसलिए मैं चलता हूँ मैं फ़ोन की तरफ और आपको फ़ोन दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए जी है वो फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी A52 जिसमें दोस्तों कैमरे का ये लेआउट दिया गया है काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। इस कैमरे में दोस्तों जैसे कैमरा दिए गए हैं इसके, इन कैमरे के चारों तरफ ये रिंग दी गई है जो देखने में दोस्तों काफ़ी प्यारी लगती है। यहाँ सैमसंग की ब्रांडिंग दी गई है जो दोस्तों हल्की हल्की सी है, ज़्यादा जैसी नहीं है। और दोस्तों साइड में इसके ये प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है, ये मेटल वगैरह का नहीं है। इसके कैमरे की बात करूँ दोस्तों तो इसमें दोस्तों जो मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का है 64 का। दोस्तों इसमें चार कैमरे सेटअप दिए गए हैं जो मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, बाकी दोस्तों इसमें एक 12 का है और शायद 2 5 5 के हैं। फ्रंट कैमरा दोस्तों इसके डिस्प्ले में दिया गया है 5 इंच वाला जो कि दोस्तों 32 मेगापिक्सल का है। और इसके डिस्प्ले की साइज़ की बात की जाए तो ये 6.5 इंच की डिस्प्ले है इसकी, सुपर एमोलेड डिस्प्ले फुल HD रेजोल्यूशन के साथ। और दोस्तों सबसे अच्छी बात इस फ़ोन में हमें मिलती है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन इसके ग्लास में आ गए। और दोस्तों जी है इसका पावर बटन, जो वॉल्यूम की और डाउन। और सिम ट्री की बात करें दोस्तों तो ऊपर इसकी सिम ट्री है जो कि हाइब्रिड सिम स्लॉट है, इसमें डेडिकेटेड स्लॉट नहीं मिलता आपको, हाइब्रिड मिलता है। या तो इसमें आप 2 सिम लगा सकते हो या फिर 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो 1 TB तक का। वैसे दोस्तों इसके अंदर हमें मिलती है 128GB इंटरनल मेमोरी, चाहे आप 6GB वाला ले लो या फिर 8GB वाला मेमोरी, आपको 128GB मिलती है तो दोस्तों काफ़ी होती है 128GB। दोस्तों देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। नीचे दोस्तों बात करूँ तो जो स्पीकर है इसका, जो चार्जिंग पोर्ट है टाइप सी वाला क्योंकि इसके अंदर हमें मिलता है सी टाइप। और जी है दोस्तों 3.5 ऑडियो जैक। तो चलिए दोस्तों मैं इसे ओपन करता हूँ फिर आपको इसके अंदर की दिखाता हूँ इसमें हमें क्या क्या कैसे क्या मिलता है। तो इसे पहले मैं ओपन करता हूँ। तो दोस्तों देखिए सैमसंग गैलेक्सी सिक्योर्ड बाई नॉक्स क्योंकि इसके अंदर हमें मिलती है नॉक्स की फुल सिक्योरिटी। तो दोस्तों सैमसंग की ए सीरीज इसीलिए पॉपुलर रही है क्योंकि ए सीरीज में हमें सिक्योरिटी देखने को मिलती है जिसमें दोस्तों आप अपना डाटा वगैरह कुछ भी काफ़ी अच्छे सिक्योर रख सकते हो। थोड़ा टाइम ले रहा है, हो गया दोस्तों।
जी मैंने ऑन कर लिया था पहले ही, सेटअप करके रख दिया था, क्योंकि सेटअप में तो थोड़ा टाइम लग जाता है। अब दोस्तों देखिए, इसमें जब आप इसे सेटअप करोगे तो आपको इसमें कुछ एप्लीकेशन मिलेंगी जो आपके बिल्कुल भी यूज की नहीं है, जिन्हें आप इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे दोस्तों देखिए, बायजू दा लर्निंग ऐप, जोस, और दोस्तों MX टकाटा, जो दोस्तों कुछ एप्लीकेशन है, मौज वगैरह, जो आपको इसमें सेटअप करते टाइम मिलती हैं, जो सैमसंग इनका ऐड देता है। तो दोस्तों आप इन्हें इंस्टॉल कर सकते हो, तो इसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है, ये इंस्टॉल भी हो जाती हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें काफ़ी सेटिंग दिखाता हूँ आपको इसकी, ये देखिए इसका दोस्तों, इसमें हमें दी गई है फास्ट रिफ्रेश रेट 90Hz की, जो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए देखिए, यहाँ पे आपको हाई फ्रेम रेट मिलती है 90Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट, और दूसरी मिलती है स्टैंडर्ड जो दोस्तों 60Hz की होती है। तो दोस्तों मैंने 90Hz पे लगा रखी है, तो ये आपका फ़ोन दोस्तों ये स्पीड मिलती है तो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये हाई रिफ्रेश रेट दोस्तों हाई लेवल के फ़ोनों में मिलती है, जो कि दोस्तों इसमें ही मिल रही है। और दोस्तों इसके और फीचर की बात की जाए, तो इसमें दोस्तों हमें IP67 की एक बॉर्डर रेजिस्टेंस जो प्रोटेक्शन होती है वो भी मिलती है। तो अगर आप इसको 30 मिनट तक पानी के अंदर रखते हो तो दोस्तों कंपनी का क्लेम है कि ख़राब नहीं होगा 30 मिनट तक। बट दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा कि आप कभी ये ट्राई करके ना देखें, क्योंकि क्या होता है कि जब सेट के अंदर दोस्तों पानी निकलता है तो जो कंपनी होती है दोस्तों वारंटी नहीं देती। बट फिर भी दोस्तों आप ट्राई ना करें। हाँ, अगर बारिश वगैरह में आप यूज़ करते हो तो आप कर सकते हो, आपको इस फोन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि बारिश को दोस्तों जो पानी होता है वो एकदम अंदर नहीं आता, ऊपर ऊपर से निकल जाता है। तो इसमें दोस्तों जो दी गई है, और इसके कैमरे की बात करूँ दोस्तों, तो आपको इसको मैं कैमरा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखो दोस्तों कैमरा, इसका कैमरा काफ़ी क्लियर है, ये सैमसंग के कैमरे तो शुरू से ही क्लियर होते हैं। ये देखिए, एक एक चीज़ आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। दोस्तों कैमरे के मामले में फ़ोन काफ़ी अच्छा है, और इसके अंदर दोस्तों आपको मिलता है एंड्रॉयड 11 वन UI 3.1 के साथ, तो काफ़ी कुछ अच्छा मिलता है इसमें। और दोस्तों अच्छी बात यह है कि आपने देखा होगा काफ़ी लोगों को ज़रूरत होती है कॉल रिकॉर्डिंग करने की, दोस्तों आपको इसमें मिलता है सैमसंग का कॉल वाला UI सैमसंग वाला। तो इसमें दोस्तों आप ये देखिए, यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पे आप कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। दोस्तों देखिए, आ रहा है रिकॉर्ड कॉल, तो यहाँ से दोस्तों आप ऑटो रिकॉर्ड कॉल को लगा सकते हो और अपने सारे कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो। इसमें दोस्तों कोई मैसेज नोटिफिकेशन नहीं आएगा सामने वाले के पास कि आप कॉल रिकॉर्ड कर रहे हो, तो सैमसंग दोस्तों ये अच्छी चीज़ देता है। तो दोस्तों इसमें आपको काफ़ी अच्छे फीचर मिलते हैं सैमसंग में, और दोस्तों इसमें फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है फ़ोन देखने में, काफ़ी अच्छा है, कलर भी दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब दोस्तों बात करता हूँ मैं कि इसमें हमें प्रोसेसर कौन सा मिलता है। तो दोस्तों इसमें मिलता है हमें स्नैपड्रैगन 720G, जो कि दोस्तों एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन की तरफ से, जिसमें दोस्तों आप हैवी गेमिंग कर सकते हो। गेमिंग करने के साथ साथ दोस्तों आप इसमें कितनी भी मल्टीटास्किंग करो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर है दोस्तों वो काफ़ी अच्छा है, और ये काफ़ी पहले कई फ़ोनों में यूज हो चुका है। अब दोस्तों इसके बैटरी की बात करूँ, तो इसमें मिलता है हमें 15 वॉट का एक चार्जर, और बैटरी मिलती है दोस्तों इसके अंदर हमें 4500 mAh की। दोस्तों 4500 mAh की बैटरी आपका एक दिन आराम से निकाल देगी, चाहे दोस्तों आप गेमिंग भी करते हो फिर भी आपका एक दिन निकल जाएगा। अगर आप ज़्यादा हैवी यूजर हो तब दोस्तों आपको इसमें दिक्कत आएगी, तब दोस्तों ये शाम को आपको चार्ज करना पड़ सकता है, नहीं तो एक दिन का बैकअप जो आसानी से दे देता है। और जिन लोगों को नॉर्मल यूज है, जो ज़्यादा गेमिंग नहीं करते, सिर्फ व्हाट्सअप फेसबुक वगैरह यूज करते हैं, तो उनको दोस्तों इसमें एक दिन से ज़्यादा का बैकअप मिल जाएगा। और चार्जिंग टाइम की बात की जाए, तो जो चार्जर आपको इस बॉक्स के अंदर मिलता है, उस चार्जर से इस चार्जर से दोस्तों आप इस फ़ोन को 1 घंटा और 45 मिनट के आसपास में चार्ज कर सकते हो, यानी दोस्तों आपको 1.5 घंटे लग सकते हैं। और अगर आप इस फ़ोन को 25 वॉट के चार्जर से चार्ज करते हो, जो आपके पास अगर है या फिर आप मार्केट से लेना चाहते हो, तो दोस्तों उससे आपको इसे चार्ज करने में 1 घंटा और 5 मिनट के आसपास लगते हैं। तो इतना ही फ़र्क है 25 वॉट में और 15 वॉट में, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप सोचो
के 30-40 मिनट में फुल हो जाए ऐसा नहीं होगा, आपको फिर भी करीब 55 वो 65 या 66 मिनट देने पड़ेंगे तब जाके आपका फ़ोन फुल होगा 25 वाट के फास्ट चार्जर से भी, और इससे होता है 2.5 घंटे में। तो आप अगर लेना चाहते हो फास्ट चार्जर तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट उसे खरीद सकते हो। तो बैटरी भी उसको काफ़ी अच्छी दी गई है, प्रोसेसर काफ़ी अच्छा दिया गया है, और इसके अंदर दोस्तों हमें प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छी दी गई है कोरियन गोरिल्लास 5 की। डिस्प्ले भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, और दोस्तों देखने में इसका लुक आता है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE, क्योंकि सेम दोस्तों उसमें GDN दी गई है 6.5 इंच डिस्प्ले, और सेम JE वाला प्रोटेक्शन उसमें दी गई है, JE वाला पैनल उसमें दिया गया है, उसमें कुछ भी अलग नहीं है, बस अलग है उसमें तो कुछ फीचर अलग दिए गए हैं बस, बाकी डिस्प्ले सेम है। तो अगर आप S20 FE नहीं ले पा रहे हो तो आप इसको ले गए उसका पूरा मज़ा ले सकते हो। तो दोस्तों आपने सैमसंग गैलेक्सी A52 की अनबॉक्सिंग देख ली, अगर आपको ये फ़ोन पसंद है तो आप इस फोन पर जा सकते हो सैमसंग गैलेक्सी A52, इसके अंदर दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे फीचर दिए गए हैं। और दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कि ये मैंने 20,000 रुपये कैसे खरीदा है। तो दोस्तों मैंने इसको नया नहीं खरीदा, क्योंकि आपको पता है कि सैमसंग गैलेक्सी A52 अभी मार्केट में नहीं मिल रहा, ऑनलाइन दोस्तों ये आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है, तो ये फ़ोन दोस्तों कंपनी की तरफ से अभी रोक दिया गया है, क्योंकि कंपनी A52 5G लॉन्च करने वाली है, इसलिए दोस्तों इस फ़ोन को अभी रोक दिया गया है। तो दोस्तों मैंने इसको खरीदा है ओएलएक्स से दोस्तों, मैंने इसे 2 महीने पुराना फ़ोन खरीदा है ये वाला 20,000 रुपये का। तो दोस्तों 20,000 रुपये में मुझे सिर्फ 2 महीने पुराना फ़ोन मिल गया, 6GB और 128GB वाले वेरियंट, साथ में दोस्तों मुझे एक कवर भी मिला था, तो दोस्तों कवर भी काफ़ी अच्छा है, और इस फ़ोन के ऊपर जो गिलास लगा हुआ भी मिला था, जो टेम्पर ग्लास होता है दोस्तों वो भी इसके ऊपर लगा हुआ मिला था, कंडीशन दोस्तों इसकी एकदम न्यू रखी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों मुझे 20,000 रुपये में मिल गया। अगर फिर भी दोस्तों अगर आप अपने मार्केट में ट्राई करते हो इस फ़ोन की कि ये फ़ोन आपके मार्केट में है कि नहीं है, तो दोस्तों आपको ये करीबन मार्केट में 26,000 समथिंग मिलेगा 6GB और 128GB वाला। तो दोस्तों अगर आपको 52 चाहिए तो आप इस फोन पर जा सकते हो, और आपको मिल रहा है कहीं पर आपके आसपास तो आप इसे ले सकते हो, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों हमें काफ़ी अच्छे फीचर दिए गए हैं, और प्लस दोस्तों इसके अंदर हमें सैमसंग की दोस्तों ब्रांडिंग मिलती है, सैमसंग के कैमरे मिलते हैं जो कि दोस्तों देखने में काफ़ी अच्छे होते हैं, और सबसे बड़ी बात इसके अंदर आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।